आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 अक्टूबर से भारत में वर्ल्ड कप खेला जाना है और सभी देश वर्ल्ड कप की तैयारियों को रंग देने लगे हैं। लेकिन जो भारत का पड़ोसी यानी पाकिस्तान है, इनके नखरे अभी खत्म नहीं हो रहे। पाकिस्तान अब तक निर्धारित नहीं कर पाया है कि वर्ल्ड कप खेलने भारत जाना है या नहीं जाना है। कभी पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तो कभी कोई लगातार बयान देते रहते हैं कि भाई भारत खेलने नहीं जाएंगे या भारत खेलने चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया भर के बयान आते रहते हैं। अब इस कड़ी में जो पाकिस्तान के खेल मंत्री हैं, उनका बयान भी सामने आया है। पाकिस्तान के खेल मंत्री एहसान मजारी ने कहा है, अगर भारत एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो उनका देश भी वर्ल्ड कप से पीछे हट जाएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के भारत आने को लेकर एक समिति बनाई है। 41 साल के खेल मंत्री मजारी इसका हिस्सा है। मजारी की माने तो भारत अगर एशिया कप के दौरान अपने मुकाबले पाकिस्तान में न खेलकर किसी अन्य देश पर खेलने की डिमांड करता है तो हम भारत में होने वाले वर्ल्ड कप के दौरान अपने मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे। हालांकि गौर करने वाली बात यह है, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपको अहमदाबाद में खेलने से दिक्कत है, तो एहसान मजारी ने कहा नहीं, हमें अहमदाबाद में खेलने से कोई दिक्कत नहीं। यानी एहसान मजारी का कहना है कि उन्हें अहमदाबाद में खेलने से दिक्कत नहीं है, लेकिन भारतीय टीम को पाकिस्तान आना पड़ेगा। दिक्कत भी नहीं है और शर्त भी इन्होंने रख दी है। इसके अलावा मजारी ने कहा है कि वो एशिया कप 2023 के लिए हाइब्रिड मॉडल के समर्थन में भी नहीं थे। एहसान मजारी ने कहा, पाकिस्तान मेजबान है और उसे सभी मैच यहीं आयोजित कराने का अधिकार है। सभी क्रिकेट प्रेमी भी यही चाहते हैं, मैं हाइब्रिड मॉडल नहीं चाहता। खेल मंत्री ने आगे कहा, भारत खेल को पॉलिटिक्स में लाता है, मेरे ये समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों भारत सरकार अपनी टीम यहाँ भेजना नहीं चाहती। कुछ वक्त पहले भारत का एक बड़ा दल बेसबॉल टूर्नामेंट खेलने के लिए इस्लामाबाद में था, मैं कार्यक्रम का मुख्य अतिथि था। पाकिस्तान की फुटबॉल, हॉकी, शतरंज की टीमें भी भारत का दौरा करती हैं। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए एहसान मजारी ने आगे कहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेरे मंत्रालय के अधीन आता है और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, अगर भारत एशिया कप के दौरान जैसी मांग कर रहा है तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के दौरान ऐसी ही डिमांड रखेगा। आपको यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा गठित इस कमेटी के अध्यक्ष विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और इसमें 11 मंत्री भी शामिल हैं। और ये जो टीम गठित की गई है, ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपना आखिरी फैसला लेंगे कि पाकिस्तान की टीम भारत वर्ल्ड कप खेलने आएगी या नहीं।